हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएसएस प्लेलिस्ट। दिस इज़ लेक्चर नंबर 40। और लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट्स के बारे में डिस्कस किया था, और इस लेक्चर में हम स्पेसिफिसिटी के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि स्पेसिफिसिटी क्या होती है, राइट? तो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी सीएसएस की जो बताती है कि CSS स्टाइलिंग किसको प्रेफरेंस मिलती है पहले, राइट? सपोज अगर एक एलिमेंट है ABCD लिखा हुआ है और दो सेलेक्टर हैं, एक P है और एक H है, H1 है, सपोज P है और H1 है, तो दोनों उस एलिमेंट को पॉइंट कर रहे हैं और दोनों सेलेक्टर का डायरेक्शन ये है कि जो एलिमेंट है उसका कलर हो जाए रेड। पहले का डायरेक्शन है रेड और सपोज पहला H1 है और फिर उसके अंदर P है और फिर उसके अंदर एलिमेंट है। H1 सेलेक्टर कहता है कि इसका कलर हो जाए रेड और P कहता है इसका कलर हो जाए ग्रीन। तो यहाँ पे एलिमेंट किसको फॉलो करेगा? एलिमेंट एक स्पेसिफिक सेलेक्टर को ही फॉलो करेगा, तो ये उसकी स्पेसिफिसिटी है। और अगर जैसे कि सपोज H1 था फिर P था, तो अगर P कह रहा है ग्रीन तो जो क्लोज़र है CSS उसी का फॉलो किया जाएगा। तो यही प्रॉपर्टी है। इसको एग्जांपल से हम समझते हैं, ना सिर्फ दो सिलेक्टर बल्कि दो सिलेक्टर प्रॉपर्टी की वैल्यू को भी जब क्लैश करती हैं तो उसमें हम प्रेफरेंस ऑर्डर देखते हैं। तो पहले मैं एक बेसिक सिंटेक्स डिज़ाइन करता हूँ, फिर इसके बाद हम बॉडी पे आते हैं। अब लगभग सारे टॉपिक्स में कवर हो चुके हैं, बट जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स और कॉन्सेप्ट्स हैं उसका नॉलेज होना जरूरी है। तो पहले मैं बता देता हूँ कि इसका मैं एक बार कंटेंट आपको शो करता हूँ, कंटेंट क्या है एक्चुअल में। ठीक है, तो इफ देयर आर टू और मोर CSS रूल्स दैट पॉइंट टू द सेम एलिमेंट, राइट? अगर एक एलिमेंट पे दो से ज़्यादा CSS रूल्स अप्लाई किए जा रहे हैं, सो द सेलेक्टर विद द हाईएस्ट स्पेसिफिसिटी वैल्यू विल विन एंड इट्स स्टाइल डिक्लेरेशन विल बी अप्लाइड टू दैट एलिमेंट। थिंक ऑफ द स्पेसिफिसिटी एज ए स्कोर रैंक दैट डिटरमाइंस व्हिच स्टाइल सेलेक्शन डिक्लेरेशन आर अल्टीमेटली अप्लाइड टू एलिमेंट। तो वही बात जो मैंने कही। तो HTML पे आते हैं, सपोज लिखते हैं H1 और फिर इसके बाद मैं P देता हूँ। P में लिखता हूँ हेलो, दिस इज स्पेसिफिसिटी टॉपिक, और इसके बाद मैं इसको P को क्लोज कर देता हूँ, फिर इसके बाद मैं H1 को क्लोज कर देता हूँ। अब मैं स्टाइलिंग अगर दूँ हेड सेक्शन में जाके, हेड में, और उसके बाद मैं स्टाइल में देता हूँ, तो लेट अस सपोज मैं H1 में कहता हूँ कि आप सेलेक्टर हो और आप जो एलिमेंट को कर दो ग्रीन, और मैं दूसरा जो सेलेक्टर है P वो कहता है कि नहीं भाई कंटेंट को कर दो ऑरेंज। तो ये किसको फॉलो करेगा? ये फॉलो करेगा पी को। ठीक है, अब इसको हम ऑब्जर्व करते हैं कि कैसे ये पी को फॉलो करेगा। ठीक है, ये था, इसको ओपन करते हैं, तो ये ऑरेंज कलर है, राइट? ऑरेंज कलर क्यों है? क्योंकि जो ज़्यादा पास है वो उस कलर को फॉलो करेगा। कलर ऑरेंज हो गया तो इसने पी को फॉलो किया क्योंकि पी इसके ज़्यादा पास है। यही मैं कह दूँ कि यहाँ पे H1 कर दो आप, और इसको भी H1 कर दो,
और इसे पी कर दो, तो ये ग्रीन को फॉलो करेंगे, ग्रीन को फॉलो। तो ये डिफरेंस है स्पेसिफिसिटी में। और इसके बाद और भी हम कंडेंट समझ सकते हैं, सपोज जैसे कि ये H1 है, राइट। तो मैं कहता हूँ कि जो H1 में क्लास देता हूँ मैं, H1 एक खुद ही एक डिफाइंड पैरामीटर है कि हेडिंग क्या होनी चाहिए, राइट। तो अगर सपोज मैं H1 में कहता हूँ कि ए क्लास में ऐड करता हूँ, और डॉट ए में मैं कहता हूँ कि फ़ॉन्ट साइज इसका आप इंक्रीज़ कर दो 50 पिक्सल्स, तो इसकी साइज ऑफ कोर्स इंक्रीज़ होगी या फिर स्मॉल हो जाएगी जैसा होगा, तो साइज इंक्रीज़ हो गई। जबकि H1 का पैरामीटर पहले सेट है कि ये एक हायर ऑर्डर है, और मैं अगर H1 को H6 भी कर दूँ तब भी इसकी जो साइज है वो सेम ही रहेगी, क्योंकि अब ये फ़ॉन्ट साइज को यानी कि डॉट जो टेस्ट है उसको ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो मैंने रिफ़्रेश किया और इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए। तो ये स्पेसिफिसिटी टॉपिक का जो हम लोगों को कवर करना था। एक बार मैं और टॉपिक्स कवर करता हूँ इसमें, जैसे कि इसमें हम ऐड कर सकते हैं, अगर मैं दो एलिमेंट देता हूँ और H1 क्लास है, और P में भी कोई क्लास देता हूँ, ठीक है। P में सपोज मैं क्लास B देता हूँ, और यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ डॉट B, इसका कर दो फॉन्ट साइज 2 पिक्सल, तो आप देखेंगे कि इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये दैट्स ऑल अबाउट स्पेसिफिसिटी, और अब हम इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।